झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के दिशा निर्देश के बाद संथाल परगना के छात्रों के लिए सक्षम है हम योजना की शुरुआत हुई। दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार और सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस योजना की शुरुआत छात्रों को यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए की गई है। सक्षम है हम कार्यक्रम में दुमका जिला के आईएएस और आईपीएस स्तर के पदाधिकारी छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे। सक्षम है हम कार्यक्रम दुमका जिला प्रशासन और सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संचालित एक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे इस संथाल परगना के जो बच्चे हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। सामान्य रूप से इलाका भी हमारा पिछड़ा है, तो इस इलाके में लोगों को बच्चों को अध्ययन के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो हम ये चाहते हैं दोनों, यानी कि जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन, हम लोग मिल के आपस में सहयोग करके बच्चों को ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सफलता प्राप्त करें, यही हमारा इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के परिसर में सक्षम है हम जैसे कार्यक्रम की शुरुआत होने से इसमें शामिल होने वाले छात्र छात्राएं काफी उत्साहित हैं। मिलने की संभावना आप लोगों को लग रही है? बहुत ज्यादा उत्साहित है, अब लग रहा है कि कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी पढ़ने से हम लोग को उतना मतलब कि ऐसा टीचर नहीं मिलता है जो हम लोग को अच्छा से पढ़ा सके, और यहाँ पे आईएएस के हुए सर मिल रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। सक्षम है हम जैसे कार्यक्रमों से संथाल परगना के पिछड़े और गरीब इलाकों के छात्रों को केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की सिविल सर्विस के पदों पर होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कराने का यह कार्यक्रम बड़ा सराहनीय है। इससे खास करके वैसे छात्र जो गरीबी की वजह से न तो बाहर जाकर ऐसे उच्च स्तर की परीक्षाओं के लिए कोचिंग ले पाते हैं और न ही पुस्तक खरीद कर स्वाध्याय के जरिए ही इसकी तैयारी कर पाते हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय के शिक्षक जहां विषयों की गूढ़ जानकारी छात्रों को देंगे, वहीं पूर्व में जो सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर सिविल सर्विस में ज्वाइन किए हैं उनके द्वारा कार्यक्रमों में कुछ ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जो उन्हें इस स्तर की परीक्षाओं को पास करने में मददगार होंगे। लेकिन संथाल परगना में ऐसे कार्यक्रमों का पूर्व का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अर्जुन मुंडा जब दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए जेपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह कार्यक्रम धूल धूसरित हो गया। छात्र भी इससे रुचि नहीं लेने लगे और शिक्षक तो नदारद ही रह रहे थे। ऐसे में यह कार्यक्रम तभी सार्थक होगा जबकि यहाँ इसकी पढ़ाई नियमित रूप से होगी। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।